जानते हैं कि प्रार्थना होती क्या है और प्रार्थना किस तरीके से काम करती है। देखिए, ईश्वर से अपने मन की और अपने हृदय की बात कहना प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे मंत्र पढ़ें, बहुत सारे श्लोक करें। जैसे आप अपने मन की बात कहना चाहते हैं, उसी तरह से ईश्वर से बात करने का तरीका है। प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है या किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, दूसरे की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। तंत्र, मंत्र, ध्यान, जप, ये तमाम तरीके दरअसल प्रार्थना का ही एक रूप हैं। प्रार्थना बहुत सूक्ष्म स्तर पे कार्य करती है और प्रकृति को और आपके मन को समस्याओं के अनुरूप ढाल देती है। जैसी समस्या होती है उसी हिसाब से आपके मन में बदलाव होता है, या जैसा आपका मन होता है उसी हिसाब से समस्या बदल जाती है। कभी कभी बहुत सारे लोगों के द्वारा की गई प्रार्थना बहुत जल्दी परिणाम पैदा करती है, इसलिए आप देखिए हर धर्म में एक साथ इकट्ठा होकर के पूजा पाठ प्रार्थना करने की बात कही गई है। जब एक साथ बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो ऐसी दशा में प्रकृति में तेजी से परिवर्तन होने शुरू हो जाते। जानते हैं कि तमाम प्रार्थना करने के बावजूद, तमाम प्रयास करने के बावजूद आखिर ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं करते। देखिए, व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना असफल हो जाती है। मेरे बेटे को पास करा दो, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा। मेरी शादी करा दो, मैं ये कर दूंगा। आप भगवान से बिजनेस नहीं कर रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। ये लेन देन वाली प्रार्थना भी आम तौर पे काम नहीं करती है। आहार और व्यवहार पर अगर आपका नियंत्रण नहीं होता, आप घर में गालियां देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे लोगों की प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों की प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती। इस बात को याद रखिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं ईश्वर से जिससे आपको आगे चल करके नुकसान हो सकता है, तो ऐसी भी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करता जिससे भविष्य में आपको नुकसान हो जाए। और अतार्किक प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती। आप कहिए मैं अमर होना चाहता हूँ, नहीं हो पाएगा। आप कहिए सूरज कल से पश्चिम में निकलने लगे, नहीं हो पाएगा। जिस प्रार्थना के पीछे कोई तर्क ही ना हो, कोई सही बात ही ना हो, ऐसी प्रार्थना भी स्वीकार नहीं होती। ये जानते हैं कि प्रार्थना करने के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सही तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, यकीन मानिए पूरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप महापंडित हों, आप संस्कृत में और बहुत लंबे चौड़े श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना बिल्कुल वैसे करिए जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी तो परम पिता है ना। ये बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए प्रार्थना जैसी बात आप आसानी से कह सकते हों। शांत वातावरण में प्रार्थना कीजिए, खासतौर से मध्य रात्रि में, 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। प्रार्थना एकांत में करें, और अगर एक समय बना लें कि रोज रात में मैं 11 बजे प्रार्थना करूंगा या करूंगी, एक निश्चित समय पे करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरे को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से, फलाना मर जाए, फलाने को नुकसान हो जाए, फलाने का व्यवसाय बंद हो जाए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से और उल्टी सीधी प्रार्थनाएं ना करें। अगर दूसरे के लिए प्रार्थना करनी हो, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचें, आंख बंद करें, उस व्यक्ति का चेहरा अपने सामने सोचें और फिर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना आपकी स्वीकार। जानते हैं कि प्रार्थना करेंगे कैसे। किसी भी एकांत स्थान में बैठ जाइए, चाहिए तो नहा लीजिए वरना हाथ पैर धोकर ढीले वस्त्र पहनकर एकांत स्थान में बैठिए। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। पहले अपने ईष्ट देव का या अपने गुरु का या ईश्वर का ध्यान करें आंखें बंद करके, और इसके बाद जो प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना आपको करनी चाहिए।
अपनी प्रार्थना को गोपनीय रखें। आप क्या प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं वो बात आपके और ईश्वर के बीच की है, उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार जब भी मौका मिले अपनी प्रार्थना आप दोहराते रहें, ईश्वर का स्मरण करते रहें, आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी हो जाए।